है दांत का उल्टा चश्मा। नहीं बचेगा मास्टर जी, इस बार नहीं बचेगा। क्योंकि मैंने छाती ठोक के बोला था ना उनको कि अगर मैं झूठा निकला तो आप मुझे अंदर कर देना। वो यहाँ पे आएंगे तो मैं घर में देखेंगे तो मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा ना। लगता है पांडे जी को पता चल गया पोपट भौजी घर पे आ गए, इनका जेल जाना लगती है। पहला माला दूसरा माला। पाटिल लेट्स मूव। काय चाललं आहे देवा? पांडे जी सोसाइटी के अंदर, अभी मैं जेल के अंदर। अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बात करता हूँ ना पांडे जी से। अरे तुम क्या बात करोगे पोपटलाल, सारी मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। मैं कैसे? वो सब छोड़ो पोपटलाल, अभी एक तुम ही हो जो मुझे पांडे जी से बचा सकते हो। अरे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बात करता हूँ ना पांडे जी से। बात करके नहीं, यहाँ से भाग के क्लब भागो भागो भागो। लेकिन उन्होंने मुझे नीचे देख लिया तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों? अरे उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मुझे जेल के अंदर जाना पड़ेगा और वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। अब क्या करूं? ये पोपटलाल भाई ने ऐसा क्या किया कि पांडे जी उनके पीछे ही पड़ गए? मुझे तो लगता है जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम छे। लफड़ा है क्या? पोपट भाई तो घर पे है नहीं तो पांडे जी सोसाइटी क्यों आए? अब्दुल भाई पोपट भौजी घर पे वापस आ गए हैं। और पोपट भौजी के साथ साथ ये भी जेल जाएंगे। बिल्डे भाई ने पोपट भाई के साथ मिलकर कुछ किया है क्या? ये भाई से ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बहुत सीधे है। कैसा लो, इन्होंने पांडे जी को बोला था ना कि पोपट भौजी घर पे नहीं है। लेकिन अभी पोपट भौजी घर पे है तो पुलिस की नजर में तो ये तो झूठ हुआ ना, तो कहीं झूठ के चक्कर में इनको जेल के अंदर ना डाल दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे अंदर डाल देंगे? चलो हम बात करते हैं पांडे जी से। चलो देवा परमेश्वरा। पांडे जी आप कहाँ जा रहे? पोपटलाल के घर। पर पोपट भाई तो नहीं है ना? वो घर पर ही है। पार्डन लेट्स मूव। आइडिया, पोपटलाल जल्दी से टेरेस पे जाके छुप जाओ। अरे भाई मैं कहीं जाके नहीं छुपने वाला, मैं बोल रहा हूँ ना भाई मुझे बात करने दे पांडे जी से, पहले पता तो करने दे कि हुआ क्या है। अरे बात करने का वो मौका भी नहीं देंगे पोपटलाल, जैसे हम दोनों को देखेंगे ना अंदर डाल देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पोपटलाल प्लीज प्लीज मेरी बात मानो दोस्त। देखो मान जाओ भाई, टेरेस पे आके चुप जाओ, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। पांडे जी यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि तुम नहीं हो तो अपने आप चले जाएंगे। प्लीज भाई प्लीज। सिर्फ तू इतना बोल रहा है इसलिए मैं छिप रहा। चल टेरेस चल। अरे ये फ्लोर पे दरवाजा किधर है? सर यहाँ पे दरवाजा। पांडे जी तो यहाँ पे आ गए। अरे इसीलिए बोल रहा पर्दा बंद कर दूंगा। अरे वो पुलिस है, पर्दाफाश करने में माहिर होती है। तो टेंशन मत ले, मुझे एक बार उनसे बात करने दे। पोपटलाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पोपटलाल तुम यहाँ से बिल्कुल मत निकलो। पोपटलाल अंदर चलो। ए पोपटलाल किचन में, किचन में।
किचन में क्या मुझे सिलेंडर के पीछे छिपाएगा? अरे सिलेंडर के पीछे नहीं भाई, वो फ्रिज के अंदर छुपाऊंगा। फ्रिज में मैं कैसे फिट आऊंगा? फ्रिज में नहीं भाई, फ्रिज में बहुत ठंड लगती है। अरे मत, पांडे जी, पांडे जी अब सोसाइटी में वापस क्यों आए? दरवाजा खुलने दो, सबको सब पता चल जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है भिड़े, क्या कर रहा है? वो बेड के नीचे जगह होती है ना। अरे मेरा बेड ऐसा नहीं है, नहीं छिप सकता मैं ऐसे। अरे ए इधर 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 कहाँ लेकर जा रहा है? बालकनी बालकनी। अरे क्या बालकनी में छिप जाओ, पांडे जी बालकनी में आ गए तो? हाँ तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लटक जा रहा ना। अरे क्या बोल रहा तू? अरे तो क्या करो, तुम्हारे घर में छुपने के लिए एक धड़ जगह नहीं है। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। प्लीज आप लोग कुछ मत बोलिए, सर को बहुत प्रेशर आया। सर ऊपर से प्रेशर आया ना आपको? हाँ हाँ सर। यस ये जगह बेस्ट है, इसमें छिप जाओ। अरे क्या इसमें छिप जाओ, मैं इसमें फिट कैसे आऊंगा? तुम्हारे कपड़े तुमसे बड़े हैं, वो अगर फिट हो सकते हैं तो तुम भी तो फिट हो ही सकते हो ना भाई। फोड़ लो के बैठ जाओ। अरे क्या फोड़ लो के बैठ जाओ भाई, मैं इसमें नहीं छिपने वाला। ओ पटला, तुम्हें तुम्हारे होने वाली बीवी की कसम। चलो कपड़े निकालो, बैठ जाओ। कपड़े निकाल के अंदर छिपना है? अरे हे नहीं रे हे। ओ पटला, भाई तो टाइम पे दरवाजा खोल देना। एक बात बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं। इतनी देर बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर कुछ खाया तो डकार की आवाज आती ना, इसके अंदर से डकार क्या किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ और सांस भी मत लेना। क्या मतलब? जोर जोर से सांस मत लेना तो आवाज आएगी बाहर। ठीक है तुम चिंता मत करो, जैसे ही पार्टी जी चले जाएंगे मैं दरवाजा खोल दूंगा। हाँ हैप्पी जर्नी। क्या मतलब? सॉरी सॉरी। हाँ, you're right. पांडे जी, आइए आइए पांडे जी, आइए आइए। अरे आप लोग भी है, आइए 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 आइए, आप लोग भी आइए आइए, प्लीज आइए आइए। ए मास्टर जी, हाँ आइए आइए, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा ही घर है। वैसे तुम इस घर में कैसे? मैं बस ऐसे ही। तुम तो कह रहे थे कि पोपटलाल के घर पर ताला है, फिर तुम घर के अंदर कैसे आ गए? वो बालकनी। बालकनी से तो चोर आते हैं पांडे जी, मेरे पास पोपटलाल के घर का ताला था। ताला? चाबी चाबी थी। पोपटलाल के घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? पांडे जी हम गोकुल नवासी सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि एक परिवार है, तो हम सबके पास एक दूसरे के घर की चाबी रहती है। ये अब्दुल के दुकान की चाबी मेरे पास रहती है। ये अब्दुल, ये चुनको बोलते की है। बहन जी आपकी चाबी कहाँ? पोपट भाव जी के घर। तो बिना चाबी के ऐसे से मत हिलाओ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। सॉरी मास्टर जी, पोपटलाल के घर की चाबी कहाँ? मेरे पास नहीं है। पोपटलाल के घर की चाबी तुम्हारे पास नहीं है?
मास्टर जी, अभी तो तुम कह रहे थे कि हम गोकुल धाम वाले एक परिवार है, हम एक दूसरे के घर की चाबी रखते हैं। तो कहाँ है पोपटलाल के घर की चाबी? मेरे पास नहीं, मतलब अभी मेरे पास नहीं है। वो चाबी ताले पे लगी हुई है ना, वहाँ पे ताले में। अच्छा, लेकिन मास्टर जी ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि पोपटलाल के घर में दिन दहाड़े उसकी गैर हाजिरी में तुम्हें आना पड़ा? वो मैंने वो लाइट नीचे से देखा कि लाइट चालू है। मास्टर जी, तुमने नीचे सोसाइटी कंपाउंड से दो माले ऊपर पोपटलाल के घर के अंदर दिन दहाड़े लाइट जलती हुई देख ली? नीचे से मतलब सोसाइटी कंपाउंड से नहीं कही। हम जब बात कर रहे थे ना, मैंने बोला था कि पोपटलाल के घर पे ताला लगा हुआ है, तभी मेरी वो दरवाजे के नीचे नजर गई तो दिखा के लाइट चालू है हॉल की। दरवाजे के नीचे से? हाँ, बरोबर है। ऐसे नीचे से देखा, वो क्या है, बिजली का अपव्यय नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। लेकिन हमारी बात तो ही थी पांडे जी की पोपटलाल घर पे है नहीं, फिर भी आप यहाँ पे। मुझे देखना था इस कलयुग में एक मास्टर सच बोल रहा है या झूठ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा पांडे जी, मुझे जेल थोड़ी जाना है। मास्टर जी, एक ईमानदार पुलिस वाले का अनुभव कहता है कि जो सच बोलता है ना वो ममा 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 नहीं करता। पाटिल, जरा देखना ये मास्टर जी ममा ममा क्यों कर रहे हैं। जी सर। साइड प्लीज। सर। मैम, प्लीज गो बैक, गो बैक, प्लीज कॉपरेट द पुलिस, थैंक यू। पर पांडे जी, ये तो पता है कि पोपट भाई ने किया क्या है। पोपट भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सर, पूरा घर छान मार लिया, पोपटलाल कहीं नहीं मिला। होंगे तो मिलेंगे ना, है ही नहीं तो कैसे मिलेंगे। पांडे जी, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हो। फिर तो मुझे ही चेक करना पड़ेगा। सत्यानाश। अरे अच्छा, कौन? मुंबई पुलिस। अटक नहीं पांडे जी, आप अचानक रुक गए तो धक्का लग गया, काय करता है? ये बाजू क्या है? किचन। नहीं कोई। माधवी, ये आपली वाटी सापडली। मी बोललो ना पोपटलालकडे आहे म्हणून, त्या लिखाय ना आत्मराम तुकाराम भेट या सप्रेम भेट। शाहो, वाटीच काय घेऊन बसलाय, समोर वाट लागली आहे। चले पोपटलाल इसमें आ जाएगा? नहीं, वो तो मैं देख रहा था कि सामान कितना खत्म हो गया है, बहुत दिनों से ऑर्डर नहीं आया है ना। यहाँ ऑर्डर लेने आए? हट जाओ वरना कुचल दिए जाओगे।
नहीं है पांडे जी, मैंने बोला आपसे। कहीं भी नहीं, इधर ना उधर, आखिर गया किधर? हाँ, उनको पता चल गया कि पोपटलाल घर में नहीं है, उनकी तलाशी खत्म हो गई है, अभी वो थक के बैठे, अभी निकल ही रहे। मास्टर जी, ये तुम तय करोगी कि कौन कब कहां कैसे कहां जाएगा, ये पुलिस। पाटिल, क्या तुमने इस कबर्ड को चेक किया था? हाँ चेक की थी। पर खुल नहीं रही थी। पाटिल, क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता नहीं हमने इससे बड़े बड़े कबर्ड यूं खोल दिए हैं, तुमसे ये कबर्ड नहीं खुल रहा है? और कैच इट। अरे पांडे जी, ये तो कपड़े रखने की जगह है, इसमें कहाँ डिब्बा होगा? हाँ डिब्बा, पोपटलाल चाचा जी डिब्बे को प्यार से पोपटलाल कहते हैं। पोपटलाल को प्यार से डिब्बा कहते हैं। चाचा जी, हम पुलिस वाले हैं, जहां से आम जनता सोचना बंद कर देती है वहां से पुलिस सोचना आरंभ करती है। पांडे जी जाने दीजिए ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जाने दीजिए ना। पांडे जी, पोपटलाल ने कबर्ड लॉक किया होगा ना, अभी वो घर पे नहीं है तो। तुम गोकुल धाम वाले एक परिवार की तरह हो ना, जैसे एक दूसरे के दरवाजे की चाबी अपने पास रखते हो, क्या एक दूसरे के कबर्ड की चाबी नहीं रखते? नहीं। God bless you all, God bless you all. कमाल की एकता है, चीखते हैं तो भी एक साथ ही चीखते हैं। anyway,
मास्टर जी आपने सही कहा था, मैं खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। पार्टी लेट्स मूव। अरे बाप रे, खोला कबाट और निकला पोपटलाल। भाई जिस तरह से जादूगर अपनी टोपी में से कबूतर निकालता है, ठीक उसी तरह से पांडे जी ने इस कबाट में से पोपट निकाला, मतलब हमारा पोपटलाल। बेचारे भिड़े का नसीब भी बेवफा निकला, क्योंकि पोपटलाल पकड़ा गया। अब पांडे जी को यह लगेगा कि पोपटलाल को बचाने के लिए भिड़े उन्हें घुमा रहा था। अब तो पांडे जी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भिड़े पे बरसने वाला है, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि पांडे जी पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे थे। क्या लगता है आप, क्या भिड़े भी पोपटलाल के साथ मुसीबत की चक्की में पिस जाएगा, या फिर इस कहानी में हीरो की एंट्री की तरह कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? दोस्तों ये गोकुलधाम, यहाँ पर ट्विस्ट की सेल लगी रहती है, और यहाँ पर जो कुछ होता है ना वो आपकी सोच से विपरीत होता है। तो क्या लगता है भिड़े और पोपटलाल के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अरे पोपटलाल, तुम कबर के अंदर, मतलब तुम घर में ही थे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है, हॉल की लाइट चालू करके तुम कबर में जाके छुप गए थे? तुम भी कमाल करते हो पोपटलाल, पांडे जी कितना परेशान हो रहे थे, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पता है तुम्हें? वाह मास्टर जी वाह, क्या एक्टिंग करते हो, इतनी भी अच्छी नहीं करते कि टीवी में आ जाओ।